हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स। तो मॉडर्न क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या फिर बोल सकते हैं कोड्स के बारे में, कि कौन कौन से हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कोड्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर आपको बताया था कि सबसे पहले हमने क्या किया था, जिसका काम क्या है कि जो हमारी आईएसओ ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसको हम बोलते हैं सीरीज आईएसओ 9000, एक सीरीज होती है 1987 में, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जो भी हमारे आगे स्टैंडर्ड्स होंगे, कोड्स होंगे, डेवलप होंगे, जिनका मेन काम क्या है, गाइडलाइंस तैयार करना। क्या है? गाइडलाइन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैनेजिंग क्वालिटी एंड क्वालिटी, और जो भी स्टैंडर्ड है कि किसी भी हमारे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक गाइडलाइंस जारी करता है आईएसओ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। उसके आगे फर्दर हमने स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की थी कि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी आईएसओ 8402 स्टैंडर्ड्स के बारे में कि हम उसका यूज किस लिए करता है। तो वो हमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं वेरियस टाइप्स, जितने भी हमारी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी हमारे क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन समेत देना, एक प्रोवाइड करवाना डेफिनेशंस, तो वो हमारे लिए कौन सा होता है, आईएसओ 8402 स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमने बात की सेकंड स्टैंडर्ड की, तो सेकंड स्टैंडर्ड रहेगा स्टैंडर्ड 9000, ठीक है। और उसमें क्या था कि गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ प्रॉपर मॉडल, कि एक प्रॉपर मॉडल को सिलेक्ट करना और उसको किस तरह से हमें यूज करना है, उसके प्रति जो भी गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करने का काम होता है आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टैंडर्ड, थर्ड रहेगा आईएसओ 9001। तो इसका काम क्या है कि यूज हम कहां पे करते हैं, इट इज यूज्ड वेयर द सप्लायर टेक कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर हमारा जो भी सप्लायर है वो एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल, जो भी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको गेन कर, यानी कि वो ले रहा है, टेक कर रहा है फॉर डिजाइन, कि किसी डिजाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उसके, वो वहां पे हम यूज करते हैं आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड। तो हम लिख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड कहां पे यूज होता है, इट इज यूज्ड वेयर द सप्लायर टेक, इट इज यूज्ड वेयर सप्लायर टेक कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी हमारा सप्लायर है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो हमारे लिए कौन सा होगा, आईएसओ 9000 रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलिटीज, लाइक डिजाइन, लाइक डिजाइन डेवलप, डिजाइन, डिजाइन के अलावा और क्या हो सकता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, और लास्ट हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारा रहेगा आईएसओ 9001 सीरीज 1987 के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा वो होगा आईएसओ 9002। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड है आईएसओ 9002 1987, ये भी हमारा कब है, 1987 के अंदर एस्टेब्लिश। तो देखिए इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज ए मॉडल फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन फॉर यूज, कि इंस्टॉलेशन करने के लिए जहां पे हम यूज कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन फॉर यूज एंड क्वालिटी इंश्योरेंस इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए हम जिस मॉडल को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं आईएसओ 9002 स्टैंडर्ड का। तो लिखेंगे इट इज ए मॉडल, इट इज ए मॉडल फॉर, इट इज ए मॉडल फॉर क्वालिटी, इट इज ए मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन फॉर यूज, एंड इंस्टॉलेशन फॉर यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा आईएसओ 9003, आईएसओ 9003 1987, ठीक है 1987। तो देखिए दिस मॉडल हैज बीन अप्लाइड टू डोमेस्टिक अप्लायंस,
जो भी हमारे डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं, जैसे स्मॉल शॉप्स के अंदर स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं आईएसओ 9003 स्टैंडर्ड्स का। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड या फिर इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक अप्लायंस, इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक अप्लायंस। किसका हम यूज कहां पे करते हैं? जो भी हमारे डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं, इसके अलावा स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स, छोटी छोटी शॉप्स के अंदर जो हमारे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं, वहां पे स्मॉल शॉप्स कंपोनेंट्स एटसेट्रा। तो इन सब के लिए हम यूज किसका कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आईएसओ 9003 जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा आईएसओ 9004, आईएसओ 9004 स्टैंडर्ड। ये भी कब होगा? 1987। तो अब देखिए 9004 जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के अंदर हम क्या बात करेंगे कि इट कंटेन्स गाइडलाइन ऑन द टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ह्यूमन फैक्टर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि इसके अंदर जो भी हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी आईएसओ 9004 के अंदर, वो गाइडलाइंस होगी टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो ह्यूमन इफेक्ट है, जो ह्यूमन की वजह से फैक्टर इफेक्ट हो रहे हैं हमारी क्वालिटी के ऊपर, उन सबसे रिलेटेड जो एक गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं वो हमारी इसके अंदर होगी, वो होगी स्टैंडर्ड कोड आईएसओ 9004 जो कोड होगा वहां पे कंटेन होगी गाइडलाइंस किससे रिलेटेड, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमन फैक्टर्स की, जो इफेक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। तो आईएसओ 9004 के अंदर हम लिखेंगे इट कंटेन्स गाइडलाइन, इट कंटेन्स गाइडलाइंस ऑन टेक्निकल, इट गाइडलाइंस ऑन टेक्निकल, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और ह्यूमन फैक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इन सब के लिए गाइडलाइंस जो तैयार कर रहे हैं वो हमारा आईएसओ 9004 स्टैंडर्ड रहेगा। तो ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स किसके अंदर जो हम कंटेन करेंगे हमारे आईएसओ के अंदर, ये हमारे क्या रहेंगे, कुछ बेसिक क्या है स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं आईएसओ 9000 स्टैंडर्ड। तो देख लीजिए एक बार फिर से, टॉपिक हमने शुरू किया, टॉपिक था हमारा इंटरनेशनल कोर्स या फिर स्टैंडर्ड, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं जो हमारी 9000 सीरीज है आईएसओ की उनके बारे में। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हम दो पॉइंट्स के बारे में बात कर चुके थे, यहाँ पे हमारा थर्ड है आईएसओ 9001, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, सप्लायर्स, इसका यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे सप्लायर एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जैसे कि डिजाइन की, डेवलपमेंट करने की, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की। सेकंड नंबर में हमने बात की है आईएसओ 9000 हमारा क्या रहेगा, दो, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन के लिए, क्वालिटी इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इंस्टॉलेशन के लिए जिसका हम यूज कर रहे हैं वो हमारा रहेगा आईएसओ 9002। नेक्स्ट आईएसओ 9003 के अंदर हमने बात की कि इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक अप्लायंस, जो भी हमारे डोमेस्टिक अप्लायंस हैं, या इसके अलावा हमारे स्मॉल शॉप्स हैं, स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, वहां पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर अगर हम असेंबली कर रहे हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स की, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं आईएसओ 9003 का जो स्टैंडर्ड और कोड होगा। नेक्स्ट आईएसओ 9000, इट कंटेन्स गाइडलाइंस ऑन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ह्यूमन फैक्टर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो भी फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, या फिर हमारे ह्यूमन फैक्टर है, उन सब के लिए जो गाइडलाइंस है वो हमारे किसके अंदर है, वो आईएसओ 9004 जो स्टैंडर्ड और कोड है वहां पे कंटेन है। इसी तरह कुछ अदर कोड्स होते हैं, उन कोड्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो वो जैसे हमारा रहेगा आईएसओ 10005, 10007, 10011, तो इस तरह से काफी सारे हमारे स्टैंडर्ड्स और कोड हैं कुछ बेसिक, तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इसी के अंदर,
ये तो हमने 9000 जो हमारी सीरीज थी, जो हमारे कोर्स और स्टैंडर्ड थे उनके बारे में तो हमने बात की थी। नेक्स्ट अब हम करते हैं कुछ हमारे पास फर्दर आगे स्टैंडर्ड्स हैं, कोर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए वो है ISO 10005। फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, ISO 10005। तो अब देखिए ISO जो हमारा 10005 है ये कोड क्या है, इट कंटेन्स क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी प्लांस। कि जो हमारा ISO 10005 जिसको हम बोल रहे हैं कोड जस्ट स्टैंडर्ड है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं, क्या चीजें कंटेन है इस कोड के अंदर, तो वो क्या है, इट कंटेन्स गाइडलाइन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। कि हमने किस तरह से क्वालिटी को मैनेज करना है क्वालिटी प्लान्स के अंदर, तो उस मैनेजमेंट के बारे में, क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो हमें मिलेगी ISO 10005 स्टैंडर्ड या फिर कोड के अंदर। तो हम लिख सकते हैं कि it contains quality management guidelines for quality plans, जो हमारे quality plans हैं, उन quality plans के लिए जो हमारी guidelines है quality management के लिए जो हम use कर रहे हैं, वो हमारी रहेगी ISO 10005। Next होगा हमारा ISO, next रहेगा ISO 10007। इस तरह के काफी हमारे कोर्स और स्टैंडर्ड्स हैं। जब हम बात करेंगे ISO नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बारे में तो काफी तरह के इस तरह के कोड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो ISO 10007 है इसका मीनिंग क्या है, कि इट कंटेन्स गाइडलाइन फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए जो गाइडलाइंस तैयार कर रहा है वो हमारे किसके अंदर होगी, ISO 10007। तो it contains guidelines for configuration of management, ठीक है, configuration of management या फिर simple configuration management। next जो हमारा standard रहेगा वो होगा ISO 10011। next हमारा है ISO 10011। तो अब देखिए ISO जो हमारा 10011 है स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या होगा, इट कंटेन्स गाइडलाइन फॉर एडल्टिंग क्वालिटी सिस्टम। जो भी हमारी ऑडिटिंग गाइडलाइंस होती है क्वालिटी से, कि हम जब ऑडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग करेंगे तो उस दौरान जो भी हमें गाइडलाइंस है वो कंटेन होंगी हमारे 10011 जो स्टैंडर्ड होगा उस स्टैंडर्ड के अंदर कंटेन होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कि it contains guidelines for auditing। कि auditing कर रहे हैं हम किस चीज को, quality system, जो भी हमारा quality system है, quality system को auditing करने के लिए जिस हम standard का code का use कर रहे हैं वो हमारा code और standard कहलाएगा ISO 10011। next है हमारा ISO 10012। next रहेगा हमारा ISO 10012। कि ये भी हमारे कोड और स्टैंडर्ड्स है जो हम यूज करते हैं 9000 सीरीज के अंतर्गत। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इट कंटेन्स क्वालिटी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर मेजरिंग इक्विपमेंट। कि कोई हमारा इक्विपमेंट है जिस इक्विपमेंट को हम मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी क्वालिटी इंश्योरेंस चाहिए, जो भी क्वालिटी इंश्योरेंस है उसके लिए जो स्टैंडर्ड या कोड का यूज कर रहे हैं वो हमारा स्टैंडर्ड कौन सा होता है, ISO 10012। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कंटेन्स, यानी कि इसके अंदर गाइडलाइंस है, डेफिनेशंस है जो हमें प्रोवाइड की गई है कि इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। तो ISO 10012 के अंदर हम लिख सकते हैं it contains quality insurance requirement
मेजरिंग इक्विपमेंट, जो भी हमारे मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए जो हमारी क्वालिटी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर मेजरिंग इक्विपमेंट्स, मेजरिंग इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा आईएसओ 10013, आईएसओ 10013। तो देखिए यहां पे हम क्या बात करेंगे कि इट गिव्स गाइडलाइन फॉर डेवलपिंग क्वालिटी मैनुअल्स, कि क्वालिटी मैनुअल्स को डेवलप करने के लिए जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही है वो हमारी आईएसओ 10013 के द्वारा होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कंटेन्स या फिर इट गिव्स गाइडलाइन, इट गिव्स गाइडलाइंस फॉर, किस चीज के लिए गाइडलाइंस दे रहे हैं, फॉर डेवलपिंग क्वालिटी मैनुअल्स, फॉर डेवलपिंग क्वालिटी मैनुअल्स। जो भी क्वालिटी मैनुअल्स हैं इनको डेवलप करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं गाइडलाइंस, तो वो हमारी आईएसओ 10000 जो भी हमारी किसके अंदर रहेगी, आईएसओ 10013। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी जो रहेगी वो क्या होगा, वो हमारा रहेगा आईएसओ 10014। नेक्स्ट हमारा कोड रहेगा आईएसओ 10014। तो अब देखिए इसके अंदर क्या कंटेन होगा कोड या स्टैंडर्ड के अंदर, दीज आर गाइडलाइंस फॉर इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन क्वालिटी, कि जो भी इकोनॉमिकल इफेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारे क्वालिटी के ऊपर उनके लिए जो गाइडलाइंस डेफिनेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है वो कोड है आईएसओ 10014। तो हम लिख सकते हैं इट गिव्स, ये क्या कर रहा है, इट गिव्स या फिर दीज गिव्स, दीज आर गाइडलाइंस फॉर इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर जो भी इकोनॉमिक इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे या फिर इट गिव्स गाइडलाइन, इट गिव्स गाइडलाइंस, इट गिव्स गाइडलाइंस फॉर इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन क्वालिटी, कि जो हमारे क्वालिटी है क्वालिटी के ऊपर कौन कौन से इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, उन इफेक्ट्स के जो भी इफेक्ट पड़ रहे हैं वो हमारी कहां पे रहेगी, आईएसओ 10014। लास्ट हम बात करते हैं तो लास्ट जो रहेगा आईएसओ 10015 नंबर। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड या फिर जिसको आप कोड भी बोल सकते हो वो हमारा रहेगा 10015। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इट गिव्स कंटिन्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गाइडलाइंस, इसके मुताबिक यानी कि जो हमारा आईएसओ 10015 कोड है ये क्या कह रहा है कि जो भी हम कंटिन्यूस एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए जो भी चाहे हमारे एम्प्लॉइज है वर्कर्स है जो इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो इट गिव्स एजुकेशन, इट गिव्स कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यूइंग यानी कि हमेशा कंटिन्यू क्या करे, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाए एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड, इट गिव्स गाइडलाइंस फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है वो हमारा कौन सा रहेगा, आईएसओ 10015। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ कोड्स हैं, इससे पहले हमने बात की 9000 जो सीरीज के कोड थे उन कोड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, 10005, जिसका मतलब क्या होगा, इट कंटेन्स क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी प्लान्स। सेकंड हमारा रहेगा तो उसके अंदर 7 यानी कि जो आईएसओ 10007 हमारा रहेगा, तो इट कंटेन्स गाइडलाइन फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है तो वहां के लिए जो हम गाइडलाइंस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट के अंदर गाइडलाइंस होगी हमारी ऑडिटिंग क्वालिटी सिस्टम की। 12 के अंदर हमारी रहेगी क्वालिटी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट की। 13 नंबर जो हमारा कोड सेंटर होगा वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाएगा डेवलपिंग क्वालिटी मैनुअल्स को। 10014 जो हमारा कोड है वो इट गिव्स गाइडलाइन फॉर इकोनॉमिकल इफेक्ट ऑन क्वालिटी, कि कौन कौन से इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ रहे हैं क्वालिटी के ऊपर उनके प्रति जो भी गाइडलाइंस होगी। और लास्ट क्या प्रोवाइड करवाएगा, इट गिव्स गाइडलाइन देगा किससे रिलेटेड, एजुकेशन और जो भी ट्रेनिंग होगी उन एजुकेशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस होगी वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, हमने बात कर ली हमारे इंटरनेशनल जो भी हमारे क्या थे इंटरनेशनल कोड्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोड्स के बाद जो हमारे नेशनल कोड है। अभी तक चाहे हमने 9000 सीरीज की बात की है या फिर हमने ये जो आईएसओ 10000 बात की, तो ये सारे जो हमारे कोर्स रहेंगे ये कोर्स कौन से हैं, इंटरनेशनल कोड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल कोर्स के बारे में या फिर आप बोल सकते हो नेशनल स्टैंडर्ड।
शुरू करते हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन और नेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड। या तो हम लिख सकते हैं इंडियन या फिर नेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड, नेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड्स। तो देखिए टॉपिक हमारा क्या बना, इंडियन या फिर नेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड। जो भी हमारे इंडियन नेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड्स हैं, उन कोड्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे देखिए, पहले देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड मैनुअल ऑन क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन 1982। यानी कि जो हमारे इंडियन नेशनल, जो पहले मैनुअल हम क्वालिटी इंश्योरेंस कर रहे थे, मैनुअली हम स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे थे, तो वो कब हुआ था, 1982 के अंदर। विच डिस्क्राइब ए बेसिक सेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, जो कि हमारे क्वालिटी इक्विपमेंट से, क्वालिटी एलिमेंट्स के बारे में एक बेसिक प्रोसीजर था, बेसिक स्टेप्स थे, वो बस सबसे पहले हमने कब कंसीडर किया, 1982 के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमने नेक्स्ट आगे डेवलप किया, इंडिया का जो स्टैंडर्ड होगा, जैसे हमारा ISO था, BIS हमने बताया, जो हमारा BSI था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड थे, ASQ था, अमेरिकन स्टैंडर्ड था, उसी तरह हमारा इंडियन का एक स्टैंडर्ड होगा, वो आई कहलाएगा BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS मतलब होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसके अंतर्गत हमारे सारे स्टैंडर्ड्स, जो भी हम क्वालिटी के लिए, क्वालिटी इंश्योरेंस क्वालिटी के लिए हम यूज करेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम यूज करेंगे, तो वो सारे हमारे स्टैंडर्ड्स रहेंगे, वो किसके अंदर होंगे, BIS स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो हम लिख सकते हैं कि जब हम बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कोड्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो हम क्या बात करेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड्स मैनुअली ऑन क्वालिटी इंश्योरेंस वाज पब्लिश्ड इन 1982, कि सबसे पहले जो स्टैंडर्ड्स थे वो 1982 के अंदर हमारे क्या किए गए, डेवलप किए गए। वो अलग अलग तरह से हमारे क्वालिटी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स थे, किसके लिए थे, क्वालिटी इंश्योरेंस, जो भी क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए हम स्टैंडर्ड्स और कोड्स का यूज करते थे, उनको हम क्वालिटी एलिमेंट्स के तौर पे, वो हमारे क्या कहलाते होते थे, क्वालिटी एलिमेंट्स, जिनका हम यूज करते थे क्वालिटी इंश्योरेंस को चेक करने के लिए, किसी मैन्युफैक्चरर की क्वालिटी को चेक करने के लिए। जैसे जैसे आगे फर्दर आगे टाइम पीरियड निकलता रहा, तो स्टैंडर्ड्स तैयार हुआ, जो बेसिक स्टैंडर्ड हमारा रहा BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ, ये हमारा क्या कहलाता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसके अंडर काफी सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिन स्टैंडर्ड्स की अब हम बात करेंगे, वो स्टैंडर्ड्स हमारे रहते हैं IS के हिसाब से, IS 14000 जो सीरीज होगी उसके मुताबिक। जैसे कि हमने पहले बात की थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और कोड्स की, वहाँ पे जो हमारी सीरीज थी वो ISO 9000 सीरीज चल रही थी, लेकिन जब हम इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, या फिर बोल दीजिए नेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, तो वो स्टैंडर्ड्स हमारे कौन से रहेंगे, ISO 14000 सीरीज के, जो भी हमारे आगे फर्दर स्टैंडर्ड्स रहेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, कि कौन कौन से वो स्टैंडर्ड्स हैं जिन स्टैंडर्ड्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है नेशनल और इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल बोल सकते हो या फिर इंडियन स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा वो होगा IS, फर्स्ट स्टैंडर्ड होगा IS 13999, और ये कब पब्लिश हुआ सबसे पहले, इन 1990, ठीक है, 1990 सबसे पहले। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं 13999 IS स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, इट डिफाइंस बेसिक एंड फंडामेंटल टर्म्स रिलेटेड टू क्वालिटी कॉन्सेप्ट, कि जो हमारा क्वालिटी कॉन्सेप्ट है, कि क्वालिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर करनी है, किस तरह से प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेजर करना है, कौन कौन से हमने टर्म्स को चेक करना है, तो उन टर्म्स से रिलेटेड क्वालिटी कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रीफली जो भी बेसिक और फंडामेंटल्स टर्म्स हैं, उन टर्म्स को डिफाइन करना हो, किसका काम होगा, ISO 13999 स्टैंडर्ड का। तो हम लिख सकते हैं इट डिफाइन, किस चीज को डिफाइन कर रही है, जो भी बेसिक एंड फंडामेंटल टर्म्स है हमारे क्वालिटी कॉन्सेप्ट की, क्वालिटी कॉन्सेप्ट से, क्वालिटी से रिलेटेड जो भी बेसिक और फंडामेंटल टर्म्स हैं, फंडामेंटल रूल्स हैं, उन सब रूल्स को डिफाइन करना, वो कहाँ पे है, वो ISO 13999 जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। तो हम लिख सकते हैं इट डिफाइन बेसिक एंड फंडामेंटल टर्म्स, इट डिफाइन बेसिक एंड फंडामेंटल, इट डिफाइन बेसिक एंड फंडामेंटल टर्म्स
क्वालिटी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्वालिटी कॉन्सेप्ट, जो भी हमारा क्वालिटी कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी हमारी बेसिक और फंडामेंटल टर्म्स हैं, उन टर्म्स को डिफाइन करना, वो किसका काम है? आईएसओ 13999 जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारा है आईएसओ 14000। नेक्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा वो स्टैंडर्ड हमारा क्या कहलाएगा? नंबर सेकंड नंबर पे बात करते हैं आईएस 14000 स्टैंडर्ड। हमारा सेकंड जो स्टैंडर्ड रहेगा आईएस 14000 स्टैंडर्ड 1990। तो देखिए इस स्टैंडर्ड के अंदर ये क्या चीज डिफाइन कर रहा है, इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ सीरीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, कि जो भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उन इंडियन स्टैंडर्ड्स को हमने किस तरह से सेलेक्ट करना है और उनका किस तरह से हमने यूज करना है, इसके प्रति जो भी गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को प्रोवाइड करने का काम हमें कौन करता है? आईएसओ 14000 जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा बेसिक स्टैंडर्ड। तो हम लिख सकते हैं इट प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी सिस्टम, कि क्वालिटी सिस्टम के अंदर हमने इंडियन स्टैंडर्ड्स का किस तरह से यूज करना है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन, इट प्रोवाइड गाइडलाइंस, इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ, फॉर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ क्वालिटी, यूज ऑफ, ठीक है, कि किस तरह से हमने उसको सिलेक्शन करना है, एंड यूज ऑफ सीरीज, एंड यूज ऑफ सीरीज, यूज ऑफ सीरीज इंडियन स्टैंडर्ड, यूज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सीरीज, यहां पे लिख सकते हैं यूज ऑफ सीरीज, यहां पे यूज सीरीज ऑफ, यूज सीरीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, यू इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं फॉर क्वालिटी सिस्टम, फॉर क्वालिटी सिस्टम, कि क्वालिटी सिस्टम के लिए किस तरह से हमने सिलेक्शन करना है और यूज करना है, सीरीज ऑफ जो भी हमारे कोड्स रहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड्स के, उन कोड्स को हमने किस तरह से यूज करना है, किस तरह से सिलेक्ट करना है, तो इसके बारे में जो भी हमें गाइडलाइंस है वो हमें कहाँ से मिलेगी? आईएसओ 14000 जो हमारा कोड या स्टैंडर्ड रहेगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए फर्दर इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, या फिर जिनको आप नेशनल स्टैंडर्ड्स बोलते हो, उन स्टैंडर्ड्स के बारे में, क्यूसी टूल्स के बारे में, जो भी हमारे क्यूसी टूल्स होंगे तो उन टूल्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।